यह ब्रज की धरती सूरदास और रहीम की नगरी या मोहब्बत की नगरी, यहाँ जो आया मोहब्बत हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा की। यूँ तो आगरा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, लेकिन इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का सातवां आश्चर्य भी इस ज़िले में है। यमुना नदी आगरा से होकर बहती। आइए आपको आगरा की कुछ चीज़ों के बारे में रूबरू कराते हैं। यहाँ एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम बना है, महाभारत के एकलव्य के नाम पर स्टेडियम इतना शानदार, जहाँ दिन रात के मैच खेले जा सकते हैं। स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगी हैं, यह BCCI के सभी नियमों को पूरा करता है। यहाँ पर रणजी ट्रॉफी के मैच खेले जा सकते हैं। यह स्टेडियम वर्ष 2008 में बना। यहाँ पर विजय मर्चेंट ट्रॉफी राजस्थान के अंडर 16 और उत्तर प्रदेश के अंडर 16 के बीच मैच खेला गया। आगरा का ताजमहल दुनिया के सातवें आश्चर्य में से एक है। यह 1653 में बना है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसे प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। सूर्य उगने से सूर्यास्त तक आम लोगों के लिए खुला रहता है, जिसे लगभग हजारों पर्यटक रोज देखने आते हैं। इसे महान मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में बनवाया था, जो 1571 से 1485 तक मुगलों की राजधानी थी। फतेहपुर की सिकरी के नाम पर अर्थ विजय हासिल करना, जो राजधानी तो नहीं लेकिन लोकसभा और विधानसभा है। जामा मस्जिद 1648 में शाहजहां ने बनवाया, जो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के पास है। खान पान, वैसे तो आगरा का पेठा बड़ा मशहूर है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी जो आगरा के रग रग में समाई, जैसे सुबह जलेबी और कचौड़ी, बेड़ाई और छोले आदि चीज़ों का यहाँ प्रमुख खान पान है। जनसंख्या में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहर की आबादी 1585704, जिसमें महाकवि सूरदास को उनके गुरु यहीं पर मिले थे। आगरा में भक्ति भाव की कहानी बहुत पुरानी है। शहर में भगवान शिव का मनोकामेश्वर मंदिर, जो बहुत प्राचीन भी है, यह मंदिर द्वापर युग का है। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के नज़दीक रावतपुरा में स्थित। वैसे तो आगरा जिले में मंदिरों की नगरी बटेश्वर भी है। लोग सोचते हैं कि आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए, लेकिन यह एक उत्साहित जगह है जो आपको भय में डाल देगा। अगर महान अकबर की राजधानी थी, इस प्रकार फारसी शैली से संबंधित, यहाँ का आनंद लेने के लिए बहुत सारे स्थापत्य चमत्कार और प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विश्व आश्चर्य हैं। ताजमहल इसके अलावा आप नदी में विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों में यमुना नदी और जल संबंधी गतिविधियों की कब्र मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में आगरा का नाम काफ़ी ऊपर आता है। कभी मुगलों की पसंदीदा जगह रहे आगरा में सरसा सूरी से लेकर अंग्रेजों तक ने अपनी छाप छोड़ी। आज आगरा देश के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल में शुमार है। ताजमहल का आगरा किला और फतेहपुर सीकरी, यहाँ किसान, इसके साथ ही रोजगार देने के मामले में भी आगरा प्रमुख स्थान है। देश में जूतों की अहम सप्लाई इसी शहर से होती है और भी कुछ कुछ शहर में है। आगरा एक ऐतिहासिक नगर माना जाता है। वैसे तो आगरा इतिहास मुख से मुगल काल से चर्चा में आया, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगिरा और ऐसा माना जाता है कि इसे अग्रमाण और अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। आगरा घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक पर्यटकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मौसम माना जाता है। गर्मियों के मौसम में यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर जाता है। आगरा में मेले और त्यौहार की काफ़ी रंगीन। ताज महोत्सव यहाँ सबसे अधिक प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से एक है। फरवरी में 10 दिन के लिए होता है। ताजमहल के करीब शिल्प ग्राम में मनाया जाता है। त्यौहार कला, शिल्प, संस्कृति, भोजन की पारंपरिक विविधता और लोक प्रदर्शन ये त्यौहार उत्साह के साथ साथ यहाँ पर ऋतु और स्वागत करता है। उत्सव एक भव्य जुलूस के साथ शुरू होता है। बटेश्वर शहर आगरा से 70 किलोमीटर की दूर स्थित। यहाँ कई हिंदू देवताओं की देवी के 108 मंदिर है। अक्टूबर नवंबर के महीने में भगवान शिव को समर्पित एक वार्षिक मेला आयोजित किया जाता है। इस महीने के दौरान हजारों भक्त यमुना नदी के पवित्र जल में डुबकी लेते हैं। पशु मेला इस मेले में एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन